सोल में तिब्बत निर्वासित संसद का 10वां सत्र कोविड-19 के चलते स्थगित कर दिया गया है। 8 दिवसीय सत्र 16 से 24 सितंबर तक आयोजित किया जाना था, जिसे अब मार्च 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। तिब्बत निर्वासित संसद के डिप्टी स्पीकर आचार्य यशी ने प्रेसवार्ता में कहा कि इस संबंध में 13 अगस्त को आयोजित स्टैंडिंग कमेटी की 327वीं बैठक में भाग लिया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय कोविड-19 के चलते विश्व भर में 13 अगस्त को आयोजित स्टैंडिंग कमेटी की 327वीं बैठक में लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय कोविड-19 के चलते विश्व भर में उपजी परिस्थितियों के चलते लिया गया है। उन्होंने कहा कि अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए हम ये निर्णय लेने के लिए बाध्य हुए हैं, और विशेषकर धर्मगुरु दलाई लामा भी धर्मशाला में रहते हैं। यदि सत्र होता भी तो भारत के बाहर से आने वाले तिब्बती सांसद आने की सुविधा न होने की वजह से नहीं आ पाते, और भारत के अन्य हिस्सों से भी तिब्बती सांसदों को आने में दिक्कतें पेश आती। उन्होंने कहा कि हालांकि सितंबर का सत्र आयोजित नहीं होगा, तिब्बत निर्वासित संसद की प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी। चाइना से वाहन कोरोना के वजह से हमारे सदन जो है साल में 2 बार सदन होता है, और ये जो 10वीं सदन जो सितंबर के 16 से 24 को चलाना था, ये एक नाजुक परिस्थिति में कोविड-19 चाइना के वुहान से जो फैले है विश्व भर में, इस परिस्थिति के नाते सदन को स्थगित करना पड़ रहा है, और 2021 मार्च तक सदन को स्थगित करने के निर्णय जो है हमारे निवासी तिब्बत के स्थायी हमारे समिति है और नियम चार्टर के अंतर्गत स्थगित करने का निर्णय लिया है। आज इसलिए प्रेस वार्तालाप के लिए आप लोगों को बुलाया है, और लेकिन सदन चलेगा नहीं, सदन नहीं चलने के पश्चात भी जो संबंधित सदन से विषय जो है वो हम अपनी स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से और काशक से विभिन्न संसदियों से संपर्क करके पूरा योजना जो है वो अंतर्गत चलेंगे। लेकिन स्थगित करने का कारण भी यह है कि निवासी तिब्बत के संसद के सदस्य हमारे विश्व भर में लोग हैं, क्योंकि निवासी तिब्बत के लोगों का प्रतिनिधि और साथ साथ तिब्बत का अंदर का प्रतिनिधि भी करते हैं। जैसे अमेरिका से 2 लोगों को आना है, यूरोप से 2 लोगों को आना है, कोस्टल एशिया से 1 को आना है, 5 तो बाहर से आना है, भारत के बाहर से आना है। आज विश्व के आवागमन का सुविधा नहीं है, और भारत के अनेक राज्यों में हमारे जो सदस्यगण जो यहाँ धर्मशाला में नहीं है, अनेक राज्यों में है, उन लोगों को भी यहाँ आना है। तो ये पूरा परिप्रेक्ष्य को देखते हुए हमें स्थगित करना पड़ रहा है, और ये प्रेस का संदर्भ में माध्यम से यही एक जो हम लोगों के एक एक ख्यान ख्यान व्यक्ति तक आप लोगों के माध्यम से पहुंचा सकता है। ये केवल तिब्बती प्रांत के वासी तक नहीं, परंतु विश्व व्यापक तक ये समाचार का एक पद्धति है।